हाय एवरीवन मैं हूँ आशीष और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे एक पी टू पी टू ई यानी कि प्ले टू अर्न वाली गेम के बारे में वना का गेम्स बहुत इनिशियल स्टेजेस से हम लोग इस गेम को सपोर्ट कर रहे हैं और फाइनली आज इसका कह सकते हैं कि ट्यूटोरियल लेकर के आ रहे हैं और ट्राई करेंगे कुछ कुछ यहाँ पर फार्मिंग करने की कुछ कुछ अर्निंग करने की अगर कुछ अर्निंग होती है तो राइट right, लाइव करेंगे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए सीखने के लिए मिलेंगी राइट right, तो कहीं मत जीगा चिपक के बैठिए पूरा ट्यूटोरियल होगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप यहाँ पर फंड ऐड करें लैंड बाय करना या और भी कुछ चीज़ें करनी है तो ज़बरदस्त गाइड रहने वाली है राइट लाइक सब्सक्राइब हॉर्डल और इसके अलावा आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर सो प्लीज़ यूज़ योर डिटेजेंस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इस गेम से रिलेटेड तो वहाँ पर आपको आंसर मिलेंगे और जितने भी हम लोग बात करने वाले सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो शेयर करते हैं अपनी स्क्रीन तो ये रहे हम लोग स्क्रीन तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं वना का गेम्स के बारे में वना का फार्म्स के बारे में तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इनकी वेबसाइट है इनके दो टोकन चलते हैं वना और वाई राइट तो दो टोकन चलते हैं जैसे आप सभी को पता है बाकी दूसरी गेम्स के अंदर भी आप लोगों को इसी तरह की इकोनॉमिक्स जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी दो गेम्स की तो इसमें भी उसी तरह से ये वाई जो है इन गेम टोकन है और वाना जो है इनका कह सकते हैं कि गवर्नेंस और बाकी जो दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ होता है राइट वो वाला टोकन है तो यहाँ पर अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के अंदर आप जाएंगे यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद ही आप यहाँ पर इसको प्ले कर पाएंगे याद रखिए फ्री टू प्ले नहीं है ये गेम आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर खर्चा करना पड़ेगा अगर आप इसको प्ले करना चाहते हैं अभी जैसे टोकन का प्राइस गिरा हुआ है तो आप इस टाइम पर बाय करके जो है आप इसको आ, क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी रिसेंट जो हाई था छः डॉलर था अभी एक डॉलर के आसपास में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है सेवेंटी सेंट से लेकर के और नाइन्टी सेंट के बीच में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है वहीं से बाउंस हुआ है पिछली बार भी वहीं से बाउंस हुआ था और अभी भी वहीं पर ही जा रहा है टेस्ट करने के लिए रिटेस्ट करने के लिए राइट तो मैं कहूँगा कि अगर आप वैसे नॉर्मली भी ट्रेड करना चाहते हैं तो बिंदास ट्रेड कर सकते हैं राइट right. तो चलते हैं हम लोग हमारे मार्केट के ऊपर राइट right? जो मार्केट प्लेस कह सकते हैं या फिर इनका जो एनएफटी मार्केट प्लेस है वो आप इसको कह सकते हैं तो यहाँ पर आएंगे मार्केट प्लेस डॉट वनाका फार्मस डॉट कॉम के ऊपर तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस राइट हम लोग होम पेज के ऊपर आते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाए राइट जब आप इस तरह से होम पेज के ऊपर आएंगे आप लोगों को इस तरह से जो लैंड्स है वो यहाँ पर आप लोगों को लिस्टिंग कह सकते हैं वो नजर आएगी राइट अगर आप लैंड बाय करना चाहते हैं तो याद रखिएगा इस टाइम पर प्राइस थोड़ा सा अभी हाई है थोड़ा टाइम वेट करेंगे अगर आप बाद में बाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा राइट तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चार यहाँ पर सीजन होते हैं इसके अंदर इनके लैंडस के अंदर राइट तो जो भी आपको चाहिए चारों आप सेलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद आप बाय करने के लिए जाइए राइट तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि किस तरह से ये पूरी की पूरी जो लैंड्स हैं अगर आपको किसी के भी बारे में जानना है कॉमन अनकॉमन और उसके बाद लेजेंडरी फिर इस तरह से चार इनकी जो लैंड्स होती है चार पांच लैंड्स होती है उनको आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस तरह से इनके जो है ऑफ़र्स इन्होंने यहाँ पर लोगों ने दिए हुए वन राइट इस तरह से लेकिन इतने कम में कोई भी अपना ये अन बेसिक अनकॉमन लैंड जो है वो नहीं सेल करने वाला है राइट तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा तो मे बी आप लोगों का क्या पता जो है वो हिट हो जाए राइट यहाँ पर मिथिकल के ऊपर अगर हम लोग आकर के देखेंगे तो हर एक लैंड का अपना अपना एक कह सकते हैं कि स्टैट्स है या फिर कह सकते हैं कि क्वालिटी है राइट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका बर्थ यानी कि जो इसका नंबर होगा ये ये नंबर है राइट यहाँ पर दो सीज़न ही होते हैं मोस्टली के अंदर अगर आप देखोगे जो ज़्यादा बेटर लैंड्स होती है उसके अंदर चार सीज़न होते हैं यहाँ पर दो ही सीज़न है राइट उसके अलावा यहाँ पर, यहाँ पर यह लेवल नाइन का है लेवल नाइन मतलब यहाँ पर जो भी आप ग्रो करना है चाहते हैं इस लैंड के ऊपर उसकी जो क्या कहते हैं लेवल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं हम लोग अभी दिखाएंगे उसके बारे में बात करेंगे राइट right, यहाँ पर म्यूटेंट रेट यानी कि जो भी हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं वो एक नया जो भी कैरेक्टर बनेगा वो किस तरह से डिफरेंट बनेगा राइट right? औरों से कितना डिफरेंट होगा तो ये वो वाला म्यूटेंट रेट है और टाइम जो है वो काफ़ी कम सत्रह परसेंट बाकी दूसरी जगहों से कम लगेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है इसको किया हुआ है सेल हिस्ट्री यहाँ पर इन्होंने दिखाई है कि सात हज़ार वाना के अंदर लास्ट टाइम ये सेल हुआ है आठ हज़ार डॉलर के ऊपर तकरीबन ये सेल हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लैंड की हिस्ट्री जो कि बेसिक सॉरी uh, बेसिक कह रहा हूँ मिथिकल लैंड जो है राइट तो जो भी आप लैंड बाय करना चाहते हैं हिस्ट्री चेक कीजिए जो भी और मैं कहूँगा कि जिसके अंदर चारों सीजन हो वो ज्यादा बेटर रहेगा राइट वो आप बाय कीजिए क्योंकि चारों सीजन वाला लैंड होगा तो आप इजीली वहाँ पर जो है आप फास्ट ग्रो कर पाएंगे राइट और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको जो आपका बी एस सी वॉलेट है वो कनेक्ट करना पड़ेगा तो ये बी एस सी के बी एस सी चेन के ऊपर जो है ये गेम पूरी चलती है और उसके ऊपर ही आप इसको प्ले कर सकते हैं राइट right, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आइकन है जो इनका वाना का है राइट right, उसके अलावा ये वाना टोकन इतने मेरे पास बैलेंस के अंदर है ये मेरा वॉलेट है यहाँ पर माय अकाउंट क्या है यहाँ पर माय अकाउंट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको लॉग और वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी राइट यहाँ पर लैंड देख सकते हैं लैंड लैंड का ही सेक्शन है सारे के सारे लैंड्स यहाँ पर अवेलेबल है आइटम्स के अंदर जाएंगे तो जितने भी आप एन बाय करना चाहते हैं राइट इस तरह के कैरेक्टर अगर आप बाय करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आकर के बाय कर सकते हैं राइट तो उस और चाहे तो इन गेम भी आप बाय कर सकते हैं राइट यहाँ से बाय करके इन गेम ले जा ले करके जा सकते हैं या फिर आप गेम के अंदर भी बाय कर सकते हैं दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अकाउंट के अंदर राइट तो अकाउंट के अंदर जाएंगे आप लोगों को आपका लॉग और पासवर्ड जो है वो डालना पड़ेगा राइट बनाइए यहाँ पर अपना साइनअप और आई एम सॉरी सेम ही साइन अप जो है आपका गेम के अंदर भी चलेगा तो ये चीज़ याद रखिएगा अगर आप वॉलेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए लेकिन आपको पहले साइनअप ज़रूर करना पड़ेगा उसके बाद ही आप वॉलेट कनेक्ट और ये सब यूज़ करेंगे ज़्यादा बेटर होगा राइट तो जैसे मैंने बताया कि यही साइन अप आपका गेम के अंदर भी चलेगा क्योंकि गेम भी आपके लॉग इन और पासवर्ड मांगेगा क्योंकि वहाँ पर आपकी एन जो है वो सिंक करेगा इंटरनेट के साथ में राइट साइन इन करते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरफेस हमारा चेंज हो जाता है यहाँ पर आकर के अकाउंट्स के अंदर आप देखेंगे तो ये अवेलेबल योर वॉलेट यानी कि जो मेरा नॉर्मल वॉलेट है वॉलेट के अंदर मेरे पास यहाँ पर 38 एट वाई टोकन है और एक जो है वन टोकन है राइट यहाँ पर अगर नीचे की तरफ आप आएंगे यहाँ पर दिखेगा तक बैलेंस इन गेम राइट जो भी इन गेम के गेम के अंदर जो मेरे पास बैलेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार वाना है मेरे पास वहाँ पर और अट्ठाइस वाई अभी रखे हुए हैं जिनकी वैल्यू तकरीबन इतनी है राइट और आप यहाँ से जो भी विड्रॉल डिपॉजिट जो भी करना है तो याद रखिए आपको अगर इन गेम कुछ भी बाय करना है तो यहीं से ही आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा गेम के अंदर राइट जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ Uh, कि अगर मुझे डिपॉज़िट uh, करना है डिपॉज़िट कहाँ करना है मुझे डिपॉज़िट करना है मेरे वॉलेट के अंदर जो कि गेम के अंदर है राइट इन गेम वॉलेट जो है मेरा वहाँ पर करना है तो यहाँ पर जब आप आएंगे राइट right? ये मेरे दोनों वॉलेट है मेरा वॉलेट कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर जो भी मेरा जो, क्या कहता है टोकन मुझे जो भी भेजना होगा यहाँ पर आप देखेंगे राइट right? तो इसमें मेरे पास थर्टी एट है सपोज मैं भेजता हूँ यहाँ से थर्टी फाइव राइट तो यहाँ पर मैंने किया और ये मेरी ट्रांजेक्शन चली गई तो इससे क्या होगा कि मेरे इन गेम वॉलेट के अंदर जो है ये मेरे ट्रा, ट्रांजेक्शन हो जाएगी मेरे जो ये फंड्स हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो इस तरह से जो भी आपको सेंड करना है आपको एन सेंड करना है आपको टोकन सेंड करने है तो इसी तरह से वहाँ पर डिपॉजिट करने पड़ेंगे तब आपका इस तरह से फ़ंड जो है वहाँ से जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि थर्टी फाइव यहाँ से मैंने सेंड किया है इस वाले वॉलेट वाले के अंदर हमारे जो है ऐड होना चाहिए राइट सपोज़ कि जब मुझे यहाँ से मेरे गेम के अंदर से अगर आप लोगों ने कुछ अर्निंग करी है उसको आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको विदड्रॉ करना पड़ेगा राइट तो यहाँ पर विदड्रॉ करेंगे राइट तो मुझे अथेंटिकेटर यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा तो मैंने अभी कोई अथेंटिकेटर यहाँ पर जो है सेटअप नहीं किया अभी रिसेंटली इन्होंने ये ऐड किया है अथेंटिकेटर वाला राइट तो ये देखिए यहाँ पर मेरा बैलेंस चे चेंज हो गया है राइट ऐसे यहाँ से इन गेम करना है तो यहाँ पर डिपॉजिट और अगर आपको नॉर्मल वॉलेट के अंदर फंड लेकर के आना है तो विड्रॉल राइट तो जो भी डिपॉजिट और विड्रॉल होगा वो इसी जगह से होगा और कहीं से विड्रॉल नहीं होगा राइट आप सोचेंगे गेम के अंदर से नहीं हो रहा है ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ से नहीं होने वाला है राइट ओके okay, अकाउंट के बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पर इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये वाला लैंड है राइट जिसका नंबर इतना है म्यूटेंट रेट जो है 1.6 परसेंट है लेवल मेरा फोर चल रहा है चारों सीजन अवेलेबल है मेरे पास और तकरीबन 3.3 परसेंट जो है टाइम कम लगता है दूसरे लैंडस के मुकाबले और इस तरह से ये मेरे पास ये कॉमन है राइट और अगर हम लोग आइटम्स के अंदर चेक करेंगे तो मुझे रिसेंटली एक एन मिली है जो कि आइस कैबेज के नाम से है जिसकी वैल्यू 1200 सौ वाइट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी जो है 4.76 कैरेट है एक तरह से राइट वेट जो है इसका 1.9 पॉइंट का है और वही मैक्सिमम रिवॉर्ड जो है बारह वाई मुझे यहाँ पर मिल सकता है अगर मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूँ जैसे विड्रॉ इसी तरह से अगर आप लोगों कोई स्पेशल एनफीज मिलती है तो आप उनको विड्रॉल कर सकते हैं अपने वॉलेट्स के अंदर राइट ताकि आप मार्केट के ऊपर सेल कर सकें मैं विड्रॉ करता हूँ उसको राइट जैसे इसने बताया है कि मुझे गूगल कोड जो है यहाँ पर डालना पड़ेगा मैंने ये नहीं किया तो इसी तरह से आप विड्रॉ कर पाएंगे और इजिली इसको जो है ले पाएंगे करेक्ट तो आप लोग जो है सेटिंग में जा करके के अपना जो ये जरूर सेटअप कर लीजिएगा है ना ऑथेंटिकेटर वॉलेट इन्वेंट्री यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ और बाकी कुछ यहाँ पर जो मेरे नॉर्मल वॉलेट के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है तो ये मेरे इन गेम के अंदर ही मेरे पास ये सब लैंड है और ये वाली एन है अभी मैं एक और एन एफ मुझे वो भी मिली है गेम खेलते खेलते तो इसी तरह से ये मेन मेनली जो इस तरह की कुछ सेलेक्टिव uh, जो एन होती है वो मिलती है वो आपके रिवॉर्ड्स है वो आपकी अर्निंग है राइट उसके अलावा अगर आप रेगुलर प्ले करेंगे तो आपकी जो कैबेज है जो इस तरह की आइटम है वो और ज़्यादा म्यूटेंट उस पर जो है वो आ, क्या कहते हैं बनेंगी राइट और म्यूटेंट होंगी और अच्छी बनेंगी उस तरह की चीज़ें होंगी राइट चलते हम लोग गेम की तरफ राइट ये थोड़ा सा सेटअप कि किस तरह से आप अकाउंट सेटअप कर सकते थे ये वो सारी चीज़ें थी अब हम लोग चलते हैं गेम की तरफ कि गेम कैसे बेसिकली प्ले करते हैं तो, तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर डाउनलोड्स के ऊपर आकर के आपको डाउनलोड करना है और थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसको थोड़ा सा हैवी चाहिए मशीन तभी ये चल पाएगा क्योंकि ग्राफिक्स बहुत स्ट्रांग है इसके राइट तो थोड़ा सा हैवी मशीन रखिएगा अपने पास तो ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है वही जैसे मैंने बताया था जो आप डेस्कटॉप के ऊपर वेब ब्राउजर के ऊपर जो भी आप लॉगिन करेंगे वो यहाँ पर हमारा लॉगिन होगा तो हम लोग लॉगिन करते हैं राइट सेम पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे तो आपका लॉगिन होगा उससे पहले मतलब उसके विदा बिना उसके जो है नहीं होने वाला तो ये हमारा गेम यहाँ पर स्टार्ट हो गया है राइट आप देखेंगे ये गेम और आई होप कि मेरा गेम जो है लैग ना सॉरी मेरा वीडियो स्ट्रीम जो है लैग ना कर रहा हो थोड़ा सा लैग करेगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा राइट क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं टेस्ट कर रहा था तो लैग कर रहा था राइट तो ये गेम है यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये इस तरह का लैंड मिलेगा आप लोगों को राइट जो आप उस तरफ में देख रहे हैं राइट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाला जो लैंड है ये इस तरफ का जहाँ पर ये थोड़ी सी कैबेज और ये सब है ये सामने का ये आप लोगों को इस गेम के साथ में नहीं मिलेगा ये क्योंकि मेरा लैंड है इसलिए मुझे यहाँ पर ही मिला हुआ है राइट right. अगर आपके पास लैंड है तो ही आपको ये एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा अदरवाइज आपको इसके इधर का जो ये सामने आपको ये नज़र आ रहा है और जो फेंसिंग है सिर्फ इसके अंदर अंदर का लैंड जो आपको मिलने वाला है विदाउट लैंड अगर आप प्ले करना चाहते हैं इस गेम को तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये आप देख रहे हैं पूल इसको अनलॉक करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे जा कर के राइट right. यहाँ पर सत्रह सेवनटीन पॉइंट सिक्स के आसपास में जो है वाना है तो आप इसको वो कर पाएंगे हाँ आई गेस थोड़ा सा लैग हो रहा है यहाँ पर मैं कैमरा अपना ऑफ़ कर देता हूँ थोड़ा सा गेम यहाँ पर लैग हो रहा है राइट तो पूल के अंदर जो है वो तक ऐसे जा कर के आप जो अनलॉक कर सकते हैं अगर आपको लैंड अपना अनलॉक करना है तो यहाँ पर आकर के आप इसको अनलॉक कर सकते हैं इसकी भी जो वैल्यू है वो तकरीबन बीस बी यू की है बीस डॉलर की है राइट ऐसे ही आ, मतलब यहाँ पर आप मछलियाँ पाल सकते हैं पॉन के अंदर यहाँ पर आप जो है कुछ भी चीज़ें जो उगाना चाहते हैं वो उगा सकते हैं और अगर आप कोई भी गाय या भैंस अगर आप <laughs> गाय भैंस बकरी बकरी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप करके आपको उसको अनलॉक करना है इसकी भी वैल्यू जो है वो ट्वेंटी डॉलर के आसपास में ही है राइट तो ये हमारा फार्म है बेसिकली और इसके अंदर ही जो भी आप फार्म करना चाहते हैं और तीनों अगर आप देखेंगे तो तकरीबन सिक्सटी डॉलर का यहाँ पर खर्चा है अगर आपको प्ले करना है सिर्फ इस के अंदर अंदर अगर आपको प्ले करना है राइट यहाँ पर अभी आप प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने अनलॉक नहीं किया है क्योंकि मेरे पास लैंड था ऑलरेडी अवेलेबल तो मैंने उसको अनलॉक नहीं किया यहाँ पर भी इसको भी आप अनलॉक करना चाहते हैं इसको भी कर सकते हैं तो ऑलमोस्ट टू फोर या एटी हाँ तो एटी एटी डॉलर का खर्चा है तो आप यहाँ पर ये यह लैंड जो है वो अनलॉक कर सकते हैं करेक्ट तो आपके ऊपर है अगर आप लैंड बाय करना चाहते हैं लैंड तकरीबन थ्री हंड्रेड डॉलर से स्टार्ट होकर के और uh, दिखाया था आपको पाँच हज़ार डॉलर तक और उस तरह की रेट तक जो है जाती है यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसकी इन्वेंट्री और ये सब चीज़ें जो है इवन uh, ऊपर भी इन्होंने दिखाई हुई है राइट right? यहाँ पर अगर आप देखें इन्वेंट्री है शॉप है ट्रेजर है ब्रीड फैक्ट्री इवेंट्स मैप्स मेल्स राइट तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिकली जो साइड वाला मैप है वो किस तरह से आता है तो अगर आप लोगों को मैप आपके पास ऑलरेडी एक प्लॉट है आपको किस तरह से ऐड करना है तो वो यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर मैप्स के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे मैप्स के ऊपर आने के बाद में जो भी आपके पास इन गेम जो भी क्या कहते हैं आइटम होगा राइट ये देखिए मेरा मैप का दिखा रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरे पास ये चार प्लॉट दिखाएगा राइट आपके जो प्लॉट है उसके चारों तरफ के चार कोने चारों कोनों के ऊपर आप जो है अपने लैंड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ से इधर शिफ्ट कर सकते हैं राइट जहाँ पर भी आपको ईजी लगे वहाँ पर आप ड्रॉप कर दीजिए चार अगर आप लैंड लेना चाहते हैं चारों को आप इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड पे यहाँ पर अगर आपके वॉलेट के अंदर इन गेम वॉलेट के अंदर अगर लैंड होगा तो वो यहाँ पर दिखा देगा सारे के सारे और चारों को आप इसी तरह से प्लेस कर सकते हैं और आपकी इस लैंड के चारों तरफ जो है आपके ये प्लॉट नज़र आ रहे होंगे राइट ये देख सकते हैं ये मेरा लैंड है वो जो मैंने दिखाया था आप लोगों को स्टार्टिंग में राइट इसको आपको जैसे जैसे आप प्ले करेंगे ये अपग्रेड भी होता रहेगा राइट अगर मैं इसके अपग्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक्सपी ये है ना एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जा रहा है तो हर बार जो है ये चेंज होता है मेरा लेवल जो है वन से स्टार्ट हुआ था अभी मैं पाँच पे आने वाला हूँ राइट और इसी तरह से चेंज होता रहेगा टोटल स्लॉट 22 से 26 इस बार हो जाएगा यानी कि जो मैं चीज़ें ग्रो कर सकता हूं पहले में, अभी तक मैं बाय बाईस कर सकता हूं अगले अपडेट के बाद में मैं 26 तक कर पाऊंगा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है यहां पर जब भी आप अपग्रेड करते हैं राइट तो यहाँ से जैसे मैंने बताया कि जो भी आपके पास लैंड होगा उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और फिर आप इसको प्ले करना शुरू कर दीजिए जैसे ही आप वापस आएंगे आपके पास लैंड यहाँ पर दिखाएगा या फिर राइट right हैंड पे दिखाएगा लेफ्ट हैंड पे दिखाएगा या फिर पीछे की तरफ दिखाएगा जिस भी तरफ में आप ड्रॉप करेंगे उस तरफ में आपका लैंड दिखाएगा राइट right. अभी हो गया हम लोगों का लैंड और अब हम लोग आते हैं कि किस तरह से हम लोग आ, बाकी चीज़ें कर सकते हैं <coughs> जब आप इनिशियली आएंगे तो इनिशियली आपको कुछ कुछ चीज़ें बाय करनी पड़ेंगी सपोज़ कीजिए आप वरना शॉप के अंदर आते हैं यहाँ पर आने के बाद में कुछ कुछ जो ये फ़ीड करने के लिए काव को फ़ीड करने के लिए एप्पल्स को वो देने के लिए क्या कहते हैं फर्टिलाइज़र देने के लिए राइट वो चीज़ें आपको थोड़ी सी बाई करनी पड़ेंगी ताकि आप लोग आप इजीली ग्रो कर पाए उनको राइट और यही फ़िश के लिए भी आपको बाय करनी पड़ेगी राइट तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बाई कर रखी है अगर आप बाय करेंगे तो ये इसकी वैलिडेशन दिखाया है कि 30 सितंबर 2050 तक ये चलने वाली उस तरह से वैलिडेशन इन्होंने दिखाई हुई है राइट तो इसकी वैल्यू इन्होंने दिखाई है कि कितनी की आ, ये वन टोकन है थ्री पॉइंट टोकन यहाँ पर सेवन वाना टोकन राइट ये, ये यूज़ होंगे और जो भी मतलब आपको बाय करना है आपको यहाँ से बाय करके आप उसको यूज़ कर पाएंगे तो अलग अलग मैंने अभी तक ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करी क्योंकि मेरे को कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है यहाँ पर ये जो आइटम्स आपको दिखाई है सॉल्ट पेपर और ये सब चीज़ें ये आपको यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर पाएंगे क्या कहते हैं सैलेड के अंदर सैलड वैलेड जो भी बनाएंगे तो उससे थोड़ा एनर्जी वनर्जी आपके जो प्लेयर है उसको मिलेगी राइट उसके अलावा अगर आप अपने कैरेक्टर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से उसकी एन जो है यहाँ पर बाय कर सकते हैं जो मैंने बताया था कि इन गेम आप बाय कर सकते हैं तो यहाँ पर आकर के आप उसको बाय कर सकते हैं राइट और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और इन्वेंट्री में अगर आप आएंगे यहाँ पर जब आप इनिशियली स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा राइट और अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास ये सब आइटम है मैंने आप लोगों को जो स्टार्टिंग में दिखाया था कि मुझे ये एक एनएफटी मिला है जिसका वैल्यू जो है ट्वेल्व हंड्रेड वाइट ओकन है है ना वाना टोकन अलग है और वाइट ओकन अलग है तो वाइट ओकन है और उसके अलावा ये मैंने एक ग्रो करी थी ग्रो करने के बाद मुझे कैबेज मिली थी राइट दो कैबेज ग्रो करी है और ये जो है नॉर्मल अगर मैं उगाना चाहता हूँ तो उगाऊंगा ये मैं दिखाऊंगा ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई है रोकी हुई है कि किस तरह से आप इसको ग्रो कर सकते हैं और क्या कहते हैं ब्रीड कर सकते हो वो सब चीज़ें कर सकते हैं वो सब अभी देखेंगे हम लोग इस ट्री के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको एप्पल्स दिखाएगा जो भी आपने एप्पल ग्रो किए हैं या फिर जो भी आप Uh, क्या क्या कहते हैं ग्रो करने के बाद में ये मुझे इस तरह से ये मिले है यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन दिखाएगा अगर उसके ऊपर क्लिक करेंगे राइट तो इस तरह की सारी चीज़ें मतलब किसी भी उससे यहाँ पर देखिए मेरे पास एक काव है इसका वेट इतना है इतना स्टार है है ना नॉर्मल काव है और कुछ नहीं है बस ये इस तरह से फ़िश के अंदर आएंगे अभी मैंने फ़िश कोई भी नहीं करी हुई क्योंकि ये सबके सब, सब पॉन्ट के अंदर है राइट उसके अलावा ये मेरे पास कुछ कुछ स्पेशल आइटम जो ये होती है राइट right. ये अवेलेबल है एक मेरे पास में जो जिसको यूज़ करके हम लोग जो हमारा कैरेक्टर है या फिर कैबेज है एप्पल है राइट right, जहाँ भी वो यूज़ होती है वहाँ पर यूज़ करके उसको हम लोग आ, एक एक स्पेशल आइटम जो है क्रिएट कर सकते हैं करेक्ट और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर ये सारे आइटम्स है जो मुझे मेरी सैलेड जो है बनाने में हेल्प करेंगे राइट right. नेक्स्ट है हमारे पास अगर कोई भी आप कैरेक्टर में आपको दिखाऊंगा मेरे पास एक पम्पकिन है ये देखिए यहाँ पर पम्पकिन बैठा हुआ है तो इस तरह के एक स्पेशल कैरेक्टर कभी कभी आते हैं तो मैंने ये वाला पम्पकिन जो है ले रखा है और यहाँ पर रखा हुआ है इसको फालतू में <laughs> राइट तो आ, राइट तो ये था हमारा जो क्या कहते हैं इन्वेंट्री ट्रेजरी ट्रेजर के अंदर जब आप कुछ भी आइटम बाय करेंगे यहाँ से राइट बैक करता हूँ मैं दोबारा से दिखाता हूँ यहाँ वाना शॉप से सपोज़ कीजिए आपने ये बैग बाय किया कोई भी बैग बाय किया तो वो वहाँ पर ट्रेजरी के अंदर जाएगा और वहाँ पर वो ओपन होगा फिर उस हिसाब से आपको आइटम मिलेगी उसमें से राइट ये एप्पल पैक है सपोज़ कीजिए मेरे पास इतना है कि नहीं है नहीं इतना थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट नाइन यस है यहाँ पर मैं इसको सपोज़ कीजिए मैं बाय करता हूँ मैक्सिमम मैं एक लेता हूँ मैंने यहाँ पर इसको बाय किया सक्सेसफुल बॉट हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे वाना टोकन जो है यहाँ पर डिडक्ट हो गए राइट अब मैं जाता हूँ Uh, मेरे इस ट्रेजर के अंदर ट्रेजर में मेरे पास वो पैक आ गया है अब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरा देगा आइटम कि मुझे क्या मिला है इसके अंदर राइट यहाँ पर मुझे दो एप्पल ट्री मिले हैं अब मैं इनको ग्रो कर सकता हूँ राइट तो जब मैं जाऊँगा मेरी इन्वेंट्रीज़ के अंदर इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पर एप्पल ट्री यहाँ पर दिखाएगा मुझे मेरे मुझे ये दो एप्पल ट्री मिले और मैं इनको ग्रो कर सकता हूँ राइट इनको मैं अपने लैंड के ऊपर ग्रो कर सकता हूँ राइट right. तो तीन डॉलर देने पड़े मुझे उस चीज़ के लिए राइट right. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्रीड के ऊपर राइट right. ब्रीड के अंदर आप लोगों को जो भी आइटम आप ग्रो कर लेंगे राइट right. ग्रो करने के बाद जैसे मैंने ग्रो किए दो यहाँ पर कैबेज और उनको आपको ब्रीड करना है दो से तीन करना है राइट right. तो क्या होगा कि आ, मैक्सिमम जो है दो मिलते हैं और सॉरी मैक्सिमम जो है तीन मिलते हैं और मिनिमम दो मिलते हैं राइट अगर आप दो ब्रीड करेंगे मिनिमम दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे और कभी कभी जो है एक्स्ट्रा भी मिलते हैं जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर ब्रीड करता हूँ अभी देखिए मैंने इसको ब्रीड किया तो मुझे सिर्फ अभी दो कैबेज मिले अब मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ वापस ब्रीड मतलब यहाँ पर आप एक से दो करने की ट्राई कर रहे हैं राइट ऐसे ही अगर मैं एप्पल को यहाँ पर ब्रीड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे बारह वे टोकन जो है वो लगेंगे और जो मेरी थोड़ी एनर्जी होगी वो लगेगी अब देखिए यहाँ पर मैंने दो एप्पल ग्रो किए थे लेकिन मुझे तीन यहाँ पर एप्पल ट्री मिल गए राइट उनके सीड से ब्रीड करके तो मैं क्लेम कर लिया तीन मिल गए मुझे इसी तरह से आप जो है अपने फार्म को और अपनी आइटम्स को बढ़ा सकते हैं दो से तीन तीन से चार पाँच छः इस तरह से आप ग्रो कीजिए मैंने भी इसी तरह से स्टार्ट किया था आइटम्स बाय इनिशियली थोड़े से बाय करने पड़ेंगे थोड़े से वेट टोकन रखने पड़ेंगे थोड़ा सा स्टार्ट होने पर थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा यार ये तो बहुत लेम सी गेम है लेकिन जब एक बार आपके पास आइटम ये देखिए दो में से फिर तीन मिले मुझे राइट जब एक बार इनिशियली स्टार्ट हो गया गेम तो फिर आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा राइट जो भी आप कर सिंगल आइटम जो है ग्रो नहीं होगी राइट तो अब इसने वार्निंग दे दी जिससे कि मेरे पास उतने वेट टोकन नहीं है तो इसलिए मैं अभी नहीं कर सकता हूँ राइट तो बैक करते हैं आई गेस मैंने ज़्यादा ही वेट ओकन ट्वेंटी वन गए सिर्फ मेरे पास सारे एप्पल नहीं करने चाहिए थे राइट तो इस तरह से हम लोग जो है ब्रीड कर सकते हैं ब्रीड करके अपने आइटम्स को ज़्यादा कर सकते हैं राइट फैक्ट्री के अंदर ओहो मैंने सारा का सारा यूज़ कर डाला राइट बट कोई बात नहीं अभी यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर अगर आप आएंगे तो आप देख पाएंगे फैक्ट्री ये एक्सपेंड यहाँ पर एक्सपेंड यानी कि बड़ा रूप आप ज़्यादा आइटम वो करना चाहते हैं राइट फैक्ट्री के अंदर दो तरह से प्रोसेस होती है एक प्रोसेस होती है जो यहाँ से एक सेकेंडरी आइटम बनेगी फिर सेकेंडरी से फ़र्टिलाइजर या उस तरह की चीज़ वो बनेगी इस वाले टैप के अंदर राइट तो पहले आपको सपोज कीजिए आपको एक काव यूज़ करनी है तो इस पर आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि आपको क्या क्या आइटम मिलेगा यहाँ पर गामा मिलेगा स्लाइसड बीफ मिलेगा बटर मिलेगा मिल्क मिलेगा अगर मैं इसको यहाँ पर प्रोसेस करता हूँ राइट लेकिन क्योंकि काव की कीमत जो है बहुत ज़्यादा होती है मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी काओ यहाँ से जाए राइट तो सपोज कीजिए यहाँ पर छोटे उस पर आते uh, क्या कहते छोटी फैक्ट्री के ऊपर आते बड़ी है बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर बड़ा आइटम्स रॉ uh, आइटम्स जो हमने ग्रो करी है वो यहाँ पर ला करके हम लोग उसको यूज़ uh, कर सकते हैं जो भी मेरे पास रखे हुए होंगे एप्पल होंगे कैबेज होगी वो सब यहाँ पर दिखाएगा मुझे अभी मेरे पास सिर्फ काओ है रॉ वाली तो सिर्फ इसलिए मुझे काओ दिखा रहा है राइट तो जो भी आप आगे ग्रो करेंगे वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है राइट right. नेक्स्ट यहाँ पर ऐसे ही तकरीबन जब आप इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट तो यहाँ पर जो भी आपको बनाना है राइट सपोज कीजिए जो ये स्लज बनाना है आपको फॉर्डर बनाना है अर्थ वॉम बनाना है राइट right? जो भी आइटम आपको यहाँ पर बनाना है सपोज कीजिए सैलेड ही बनाना है सैलेड बनाने के लिए आपको ये चार आइटम चाहिए राइट right? आप इस पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा आपके पास कितने आइटम्स हैं यहाँ पर राइट right? ये तीन आइटम दिखा रहा है Uh, जो कैबेज है स्लाइस्ड कैबेज स्लाइस्ड एप्पल के अंदर मेरे पास एक है पेपर मेरे पास नहीं है सॉल्ट मेरे पास नहीं है तो मुझे दो आइटम बाय करने पड़ेंगे तब मैं इनको यूज़ कर पाऊँ तब मैं सैलेड बना पाऊँगा राइट सैलेड से क्या होगा कि आपको uh, हमारे प्लेयर को जो एनर्जी और वो सब चीज़ें मिलेंगी और थोड़ा काम करने में उसका मन लगेगा राइट right? तो और सपोज़ uh, कीजिए मैं अगर ये बनाता हूँ स्लज अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो मुझे चाहिए एक गामा राइट right? एक गामा जो शीशी हम लोगों को उसमें से मिल रही थी काव में से मिल रही थी वो मुझे यहाँ पर चाहिए होगी जो कि मेरे पास अवेलेबल है नहीं राइट इन लिस्ट जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर दिखाएगा उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो वहाँ यहाँ पर दिखाएगा अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा राइट च, वापस चलते हैं वापस देखते हैं कुछ अगर हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है बेटा मेरे पास नहीं अवेलेबल वापस चलते हैं अर्थवॉर्म हमारे पास अवेलेबल है यस अवेलेबल है इस पर क्लिक करेंगे है ना डेल्टा हमें डेल्टा चाहिए था डेल्टा पे क्लिक किया यस yes, हमारे पास तीन डेल्टा अवेलेबल है ना लेफ्ट पे लिखा हुआ है तीन इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये क्राफ्ट वाला जो ऑप्शन है ये ऑन हो जाएगा उससे पहले ऑन नहीं हो, होगा राइट तो क्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये अपना काम करना शुरू करेगा और हमें एक अर्थवॉर्म जो है बना करके देगा यस yes, हमारा एक अर्थवॉर्म हमें मिल गया राइट right? तो इसका काम क्या है कि ये रिड्यूस करेगा फिश जो जो फिशेस होती है उनको अभी हमें तीन बार खिलाना पड़ता है तीन बार के बदले हमें सिर्फ एक ही बार खिलाना पड़ेगा ये उस तरह से काम आएगा मतलब एक तरह से आपका जो टाइम बार बार आपको आना पड़ेगा हर कुछ घंटे के बाद में उस टाइम को आपका वेस्ट जो आपका टाइम लग रहा है उसको बचाएगा अगर आप नहीं इसको करना चाहते मत कीजिए आप नॉर्मली आप यूज़ करते रहिए नॉर्मली आप ब्रीड करते रहिए हर तीन चार घंटे के बाद में आइए और आप उसको फीड करते रहिए मैं भी दिखाऊंगा वो सब चीज़ें भी राइट इसको हम लोग क्लेम कर लेते हैं इस तरह से आप फैक्ट्री के अंदर आकर के आप चीज़ें जो है बना सकते हैं काओ मैं तो कहूँगा काओ और ये सब ना यूज़ करें राइट बहुत ही इमरजेंसी है तो ही आप यूज़ करें यूज क्योंकि करे। काओ की कीमत बहुत ज़्यादा है राइट और बहुत मुश्किल से मिलती है है ना ब्रीड करने के लिए भी बहुत मुश्किल से मिलती है अब नेक्स्ट आइटम है हमारे पास इवेंट्स तो जो भी यहाँ पर इवेंट चल रहे होंगे वो दिखाएगा पीछे काफ़ी सारे इवेंट चल रहे थे डेली वाले इवेंट चल रहे थे तो अभी डेली वाले इवेंट ख़त्म हो गए अब इन्होंने बोला है कि पच्चीस उनतीस uh, से उनतीस नवंबर तक uh, थोड़े दिन रह गए अभी दो दिन रह गए उनतीस नवंबर तक uh, जो है जिनके पास भी काफ़ी बड़ी बड़ी आइटम्स यानी कि कैबेज और वो सब होगी यहाँ पर रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिगेस्ट कैबेज किसके पास है राइट बिगेस्ट एप्पल किसके पास है इस तरह से बिगेस्ट काव किसके पास है तो ये सब जो फर्टिलाइज़र और वो सब आइटम जो हम लोग अभी यहाँ पर बना रहे थे फैक्ट्री के अंदर वो यूज करके हम लोग ये सब आइटम्स जो है बड़ी बड़ी सॉरी इवेंट्स के अंदर जो है देख रहे क्वांटिटी में या फिर कह सकते हैं कि वेट में इन्होंने लोगों ने बनाई हुई है वो उसी तरह से होगी जब वो आप फर्टिलाइजर अर्थवॉर्म और जो स्लग बैग बैग जो था वो यूज करेंगे अपने इन सभी आइटम्स अपनी क्रॉप्स के ऊपर करेक्ट अपनी क्रॉप्स के ऊपर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास मैप्स राइट मैप्स का ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं किस तरह से आप मैप को ऐड कर सकते हैं किस तरह से आप अपग्रेड कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर मुझे अपग्रेड करना है तो जैसे मैंने बताया था कि 424 है 400 528 जब मेरे पास इस तरह से यहाँ पर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट मैप को अपग्रेड जो है मैं कर पाऊँगा राइट नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास मेल्स तो अगर कोई भी मेल आई हुई होगी तो आप लोग को यहाँ पर दिखाएगा आप यहाँ पर गेट इन और जो भी डिलीट विलीट करना चाहते हैं आप डिलीट कर दीजिए और क्वेस्ट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर डेली क्वेस्ट चल रहे होते हैं राइट जो भी आप फार्मिंग करेंगे जो भी चीज़ें करेंगे यहाँ पर कुछ कुछ इन्होंने ये वो कर रखी है क्या कहते हैं डेली क्वेस्ट के लिए कि अगर आप सपोज कीजिए आपने दस चीज़ें ग्रो करी एक दिन के अंदर तो आपको दस वाइट टोकन यहाँ पर मिलने वाले हैं राइट तो जैसे यहाँ पर मुझे अवेलेबल है दस वाइट ओकन मैं यहाँ पर क्लेम कर सकता हूँ राइट क्योंकि आज मैंने दस आइटम यहाँ पर ग्रो करी है तो दस आई दस आइटम मैं इजीली यहाँ पर क्लेम कर सकता हूँ क्लेम कीजिए यहाँ पर और मेरे दस वाई टोकन जो है क्लेम हो गए हैं अब नेक्स्ट है हमारे पास मून काओ और जैसे मैंने बताया था कि मून काओ का कीमत काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर आप देख सकते हैं वन राइट और मेरे पास ऑर्डर भी है एक अगर मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ और मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ राइट ये दोनों आइटम मुझे देनी पड़ेगी तब मुझे 120 वाई टोकन मिलेंगे राइट एक तरह से आप इसको सेल कर रहे हैं अगर आप यही आपकी अर्निंग है बेसिकली राइट इस तरह की जो भी आपको एन मिल रही है इस तरह के जो डेली आप क्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपकी जो भी वाई टोकन मिल रहा है यही आपकी इन गेम वाली अर्निंग है राइट तो इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं जैसे मैंने बताया कि इनिशियली उतना ज़्यादा ना लगे लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आगे बढ़ेंगे गेम के अंदर तो और ज़्यादा अर्निंग आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं राइट ऐसे ही एप्पल के अंदर है अगर आपके पास एप्पल होगा तो यहाँ पर दिखाएगा आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड के ऊपर ये सारे इससे रिलेटेड आइटम दिखाने वाले है उससे रिलेटेड चीज़ें जो है दिखाने वाला है यहाँ पर बैक के ऊपर क्लिक करेंगे वापस बैक हो जाएंगे राइट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिजी या कॉइन राइट ये सब चीज़ें चलती रहती है पता नहीं क्या लैंग्वेज लिखी हुए यहाँ पर कोई फिश अगर मेरे पास कोई फिश जो फिश हमारा पौंड है उसके अंदर इस तरह की फिश और अगर अर्थ वार्म है जैसे मैंने अभी रिसेंटली हम लोगों ने अर्थ वार्म क्रिएट किया था एक अर्थ वार्म के बदले यहाँ पर हमें दो चाहिए राइट दो बैग चाहिए तब हमें यहाँ पर एक सौ बीस वाइट ओकरन यहाँ पर मिलेंगे तो इस तरह से आप डेली क्वेस्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं अभी वीकली यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट नहीं है वीकली भी जल्दी आने वा, आने वाले और मेन क्वेस्ट या फिर अभी क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस के ऊपर भी कुछ ना कुछ नया क्वेस्ट आएगा राइट तो वेट कर लीजिएगा कस्टमाइज आप अपने प्लेयर को जो भी आप करना चाहते हैं इसके साथ में अगर आप एक पैट बाय करना चाहते हो तो पैट भी बाय कर सकते हो तो पैट भी मिलता है इनकी वेबसाइट के ऊपर इनके जो हम लोगों ने जो बाहर जो मार्केट प्लेस देखा था उसके अंदर आप पैट बाय कर सकते हो और इसके साथ में पेट इसका जो पैट है वो घूमता रहेगा राइट माइकल का तो हमारा जो इसका नाम है माइकल है राइट तो ये सारे आइट या ये आखिर में सेटिंग है जहाँ पर आप अपनी ऑडियो और ये सब चीज़ें आप कर चेंज कर सकते हैं राइट अब ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन हो गया कि किस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं बाकी नीचे लॉग आउट है लॉग आउट करेंगे आप गेम से बाहर चले जाएंगे उस तरह की चीज़ें होंगी राइट अब हम लोग चलते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर चीज़ें ग्रो कर सकते हैं राइट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ एक कैबेज यहाँ पर लगाई हुई है सपोज़ कीजिए कि आपके पास ये एक ग्रीन लैंड एज इट इज़ है आपको यहाँ पर अगर जैसे ये खुदा हुआ ये देख रहे हैं ना ये जहाँ पर मेरा प्लेयर खड़ा हुआ है ये लैंड इस तरह से खुदा हुआ है राइट या प्लो किया हुआ है इसको राइट अगर इसी तरह से करना है आपको कुछ नहीं करना है प्लेयर को लेकर के आना है और स्पेस बटन दबा देना है राइट क्लिक भी करेंगे तो भी चलेगा स्पेस बटन दबा देंगे तो भी चलेगा तो दोनों केसेस के अंदर ये लैंड को प्लो कर देगा राइट प्लो किए हुए लैंड को फ्लैट करना फ्लैट नहीं आप कर सकते राइट एक बार प्लो हो गया तो हो गया राइट आप देख सकते हैं मुझसे गलती से कितनी जगहों पर प्लो हो गया है है ना तो वो वापस आप उसको अंडू नहीं कर सकते ये बड़ा लफड़ा है राइट अब प्लो कर दिया आपने अब आपको अगर कोई कैबेज उगानी है राइट अगर आपने प्लो किया ग्राउंड को तो यहाँ पर आप सिर्फ कैबेज या इसी तरह की आइटम जो आने वाले टाइम में आएंगी राइट वो ही कर पाएंगे तो जैसे मैंने स्पेस दबाया दोबारा से तो यहाँ पर दिखा देगा मैं आप मैं यहाँ पर क्या ग्रो कर सकता हूँ अच्छा मेरे पास कैबेज है मैं इसको यूज़ करूँगा स्पेस दबा दूंगा राइट स्पेस दबाने के बाद में या फिर आप नॉर्मल क्लिक कीजिए तो आपकी कैबेज जो है यहाँ पर उग जाएगी इसी तरह से अगर मुझे एप्पल ट्री उगाना है तो मैं वापस अपनी आ, अगर आप देखेंगे आपके कीबोर्ड के ऊपर एस्केप के नीचे जो एक बटन होता है एक एक क्या कहते हैं डांसिंग हाइफन जैसा है ना डांसिंग हाइफन मुझे नाम नहीं याद उसको क्या कहते हैं राइट तो उसको जब आप क्लिक करेंगे तब ये आपके पास में ऐसे साइड बार ये आएगा अदरवाइज आप टैब बटन को भी प्रेस करेंगे तो भी आपके सामने इस तरह से ब्लैक स्क्रीन आएगी आप ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं राइट तो यहाँ पर आएंगे हम लोग ऊपर जाएंगे ये सारी आइटम्स जो भी आइटम है आपको ऊपर से मिलेगी यहाँ पर क्लिक करने पे करेक्ट तो क्लिक करेंगे मुझे एक एप्पल ग्रो करना है यूज पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर अपना एप्पल ग्रो कर दूंगा राइट एम के ऊपर आपको कभी भी जो है बटन नहीं प्रेस करना है बटन प्रेस करेंगे तो वो ग्राउंड को प्लो कर देगा याद रखिए राइट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 22 स्लॉट ही है मैं 22 स्लॉट ही अभी ग्रो कर सकता हूँ तो इसलिए मैं अभी और ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता हूँ राइट अभी इसने मुझे रोक दिया ग्रो करने से अगर मैं ग्रो करने की कोशिश करूँगा तो फिर से वही एरर आ जाएगा राइट अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर तीन काव मेरी ये जो है ब्रीड कर रखी है यहाँ पर अभी चल रही है अगर आप लेफ्ट हैंड पे देखेंगे नीचे की तरफ आ, मैं इस, इसको आ, चेंज करता हूँ इन्वेंट्री काओ अच्छा ये तो मेरी ब्रीडेड है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा करेक्ट तो यहाँ पर जो ये मेरी काओ है कुछ एक सर्टन टाइम फ्रेम के बाद में एक टाइम पीरियड के बाद में जो है ये इनको मैं यहाँ पर कट कर सकता हूँ अभी यहाँ पर आप देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले एक वो दिखा रहा था क्या कहते हैं ये एक छोटा सा बग है अभी इसके अंदर कि ये स्केप करने पे यहां से ये जाता नहीं है राइट एक बार थोड़ा सा हम लोग लॉग आउट करके वापस फिर से आते हैं आउट करते हैं तो जब भी आप वापस आएंगे गेम के अंदर तो इसी तरह से आपको सामने घर के सामने दरवाजे के सामने खड़ा हुआ मिलेगा राइट तो आप देख सकते यहां पर ये कह रहे हैं कि हमें पानी की रिक्वायरमेंट है आप इसके पास आएंगे और आप प्रेस करेंगे स्पेस या नॉर्मल क्लिक करेंगे तो ये पानी दे देगा इन आइटम्स को राइट अपनी कैबेज को या जो भी आपकी क्रॉप है उसको यहाँ पर वाटरिंग कर रहा है ये इनको तो सबको वाटरिंग करना है राइट यहाँ पर लेफ़्ट हैंड पे अगर आप देखेंगे ये लेफ्ट हैंड पे जो ये दिख रहा है आपको कि कितना टाइम बाद में आप इसको कट कर सकते हैं एक बार और पानी पिलाना पड़ेगा राइट क्योंकि हमें अगर अच्छी आपको चाहिए कैबेज Uh, क्या कहते हैं हेल्दी चाहिए वेट वाली चाहिए राइट right? तो आ, और उसका प्राइस आपको अच्छा मिले तो आपको टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर इसको पानी देना पड़ेगा कैबेज को uh, जैसे इन्होंने दिन में दो uh, क्या कहते हैं एक कैबेज को दो बार इन्होंने बोला है तो आपको दो बार करना पड़ेगा अब जैसे uh, मैं दिखाता हूँ अभी अभी हम लोगों ने ये यह कैबेज यहाँ पर उगाई थी ये वाली कैबेज हम लोगों ने उगाई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन बार इसने बोला है कि जैसे आप उगाएंगे एक बार तब दूसरी बार और ये तीसरी बार तीन बार आपको यहाँ पर पानी देना है इसको तो इसको पानी दे दिया राइट ये अब बाद में थोड़ी देर बाद एक दो घंटे बाद बोलेगी अभी एप्पल को आप देख सकते हैं एप्पल के अंदर हमें चार बार पानी देना है राइट अगर हमें हेल्दी एक हैवी वेटेड एप्पल चाहिए तो चार बार पानी देना पड़ेगा राइट हमने इसको यहाँ पर पानी दे दिया राइट अब ये पानी जब इसका ये टाइम पूरा हो जाएगा ये तभी आएगा जब ये इसका टाइम पूरा हो जाएगा ये वाला राइट यहाँ पर टाइमर आ जाएगा तभी हमको ये पानी के लिए दोबारा से इंटीमेट करेगा ऐसे ही अगर आप काओ के पास आएंगे राइट काओ के पास ये हमें दिखा रहा है कि आठ घंटे है हम लोग काओ को यहाँ से हम लोग वापस अपने फार्म के अंदर ले जा पाएंगे सेलवेल करना चाहते जो भी करना चाहते आठ घंटे बाद इसको कर पाएंगे एक बार और हमें इसको फ़ीड करना है राइट यहाँ पर आप देख सर देख रहे ये बैग दिखा दिखा रहा है ये फ़ीड करने जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पानी दिया था कैबेजेस को वैसे ही यहाँ पर इसको भी फीड करना होता है आना है स्पेस दबाना है तो आप इसको फीड कराना शुरू कर देंगे और यहाँ पर जब इसको क्रॉप करना होगा तो इसके ऊपर एक हैंड बना हुआ आता है राइट अभी तो नहीं आ रहा है कोई किसी भी क्रॉप के ऊपर ये कितनी देर बाद होंगे स्टार्ट ओके अभी इसके इसमें भी दो घंटे हैं तो इनके ऊपर एक हैंड जैसे अभी पानी का एक आइकन आ रहा था कैबेजेस के ऊपर उसी तरह से इसके ऊपर हैंड का एक बटन आ जाएगा तो आप उस आकर के स्पेस दबाएंगे या नॉर्मल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इनको पिक कर लेंगे आइटम्स को पिक कर लेंगे और आप उनको ब्रीड कर सकते हैं सेल कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं राइट अब ये देखिए मेरा पॉन्ड है राइट यहाँ पर पॉन्ड आपको जिस जो आपका लैंड होगा जो आपका लैंड वाली एन होगी उसके अंदर एज इट इज़ अनलॉक मिलेगा राइट आपको अनलॉक करने की जरूरत नहीं है कुछ भी चीज़ यहाँ पर लेकिन अगर आप नॉर्मल इसके अंदर अनलॉक करना चाहते तो आपको पे करना पड़ेगा राइट वो ट्वेंटी डॉलर पे करेंगे तो ही आपका ये वाला पॉन्ड अनलॉक होगा फिर आप दोनों पॉन्ड के अंदर या फिर आप सिंगल पॉन्ड के अंदर जो है मछलियाँ पाल सकते हैं अब यहाँ पर देखिए मेरे पास कितनी सारी मछलियाँ है क्योंकि मैंने बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठी करी है राइट ब्रीड करी है बहुत दिनों से ब्रीड कर रहा हूँ मैं बीच में तो काफ़ी दिन ये गेम चली नहीं वरना तो अब तक शायद मैं दोनों पॉउ के अंदर मछलियाँ फुल हो चुकी होती मेरी राइट ये देखिए एक ये एक ये कलरफुल जिसमें लाइट सी जल रही है राइट ये दिख रही होगी आपको है ना ये वाली अगर मैं दिखाऊँ राइट ये कोने पर जो ये चल रही है मेरे सामने राइट ये वाली फिश ये काफ़ी ये मुझे लग रहा है कुछ डिफरेंट टाइप की है कुछ डिफरेंट एन है कुछ ना कुछ अर्निंग दे करके जाएगी जैसे मैंने आप लोगों को ये इन्वेंट्री के अंदर ये वाली कैबेज दिखाई थी ये वाली कैबेज है राइट इसकी बारह सौ वाई का इसका प्राइस है राइट हो सकता है इसी तरह की कुछ ये स्पेशल कुछ आ, ये वाली फिश हो राइट तो आ, देखते हैं क्या होता है राइट right. बाकी इनको भी जो है आप लोगों को आ, अर्थ वॉम और वो सब खिलाना होता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है पॉन्ट के अंदर आप आइए स्क्वायर बन जाएगा ऑटोमेटिकली आपको स्पेस प्रेस करना है तो ये आप उनको जो भी क्रॉप्स या फिर जो भी दाना देना होगा या फिर जो आप वो देना चाहते सपोज कीजिए आप वो देना चाहते हैं इनको आ, मेरे पास बैग किधर गया ये रहा तो जैसे ये देख सकते हैं कि अर्थ वॉम मेरे पास है अगर मैं ये खिलाना चाहता हूँ राइट मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा यूज़ पे क्लिक करूँगा और जिस भी बॉक्स के ऊपर देखिए जहाँ पर आपने प्लेस करिए वहीं पे ही आप इनको क्या कहते हैं यूज़ करने का कोशिश कीजिए ताकि बेटर हो जाए है ना तो यहाँ पर क्योंकि अभी इनको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर अगर मेरे पास एक बैग लिखा हुआ होता बैग आता तो मैं इनको खिला देता वो अर्थवॉम लेकिन अभी मेरे पास नहीं है यहाँ पर वो बैग का निशान बैग वाला आइकन जो हम लोगों को अगर आप देखिए यहाँ पर दिख रहा था राइट इसके अंदर ये यह देखिए यहाँ पर ये यह चार बार ये पानी दिख रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी दो तीन बार इनको फीड करवा चुका हूँ फिश को है ना यहाँ पर जब आप जिस बॉक्स के अंदर फिश होंगी हमारी तो वो फिश दिखाएगा राइट आप देखिए यहाँ पर फिश दिखा रहा है इस वाले बॉक्स के अंदर मैंने कोई फिश नहीं डाली हुई तो इसलिए नहीं दिखा रहा है राइट तो इस तरह से आप यहाँ पर फीड करा सकते हैं जो आइटम या फिर जो फर्टिलाइजर स्पेशल आइटम बेसिकली ये जो है आप फीड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप आकर के उसको फीड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ये आप एनिमल को यानी कि आप अपने काओ को इसको फीड करा सकते हैं देखते हैं हमारे पास क्योंकि आई गेस एक काउ को फीड कराने का है टाइम हमारे पास अभी यस एक बार टाइम है तो सपोज़ कीजिए मैं अपनी ये आइटम को यहाँ पर फीड कराना चाहता हूँ ऑर्डर को यूज़ किया अब ये देखिए इन्होंने दिखा दिया राइट जैसे मैंने ये किया क्लिक किया बैग दिखा दिया और इससे क्या होगा कि ये देखिए इसने एक खिला दिया माइनस वन और ये खत्म हो गया मेरे पास एक ही था वो खत्म हो गया वापस आते हैं इन्वेंट्री के अंदर देखते हैं आइटम गई खत्म हो गई एक ही थी तो वो हमने उसको फीड करा दिया राइट तो इस तरह से आप जो भी स्पेशल आइटम आप फैक्ट्री के अंदर क्या कहते के हैं ग्रो करेंगे उनको आप यहाँ पर ला करके उनको फीड करा सकते हैं और अपनी क्रॉप्स को काउस को आने वाले टाइम में अभी गोट वोट और वो सब चीज़ें भी आएंगी राइट बहुत सारी अपडेट आनी अभी बाकी है तो अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस में गेम है अभी और लोग भी आएंगे राइट अगर आप आ, वैसे भी अगर आप प्ले कर रहे हैं गेम को तो हर आधे घंटे बाद एक स्पेशल फिश आती है इस वाले पॉन्ड के अंदर हर आधे एक घंटे बाद अभी तक तो नहीं आई है इसी तरह की फ़िश होती है राइट जैसे नॉर्मल फिश घूम रही है इसी तरह की होती है जो रैंडमली आती है रैंडमली टाइम फ्रेम होता है वो आती है मैंने कई सारी यहाँ पर ग्रैब करिए ये लॉक रहेगा तब भी आप उसको ग्रैब कर सकते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मतलब वो फ्री वाली आइटम है जो आपको मिलती रहती है राइट बाकी अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं किसी भी उसको तो आप अनलॉक कर सकते हैं राइट बाकी चीज़ें कर सकते हैं तो इस तरह से आप इस गेम को जो है आप प्ले कर सकते हैं मुझे तो मैं हर दो चार घंटे बाद इसको ओपन करके इस तरह से प्ले करता हूँ मैं दिन भर नहीं करता हूँ राइट जब मुझे पाँच दस मिनट लगाने होते हैं सिर्फ़ पाँच दस मिनट यहाँ पर लगाता हूँ इनको फीड वीड करता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ उस तरह से करता रहता हूँ अगर आप लोग भी प्ले करना चाहते हैं इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं थोड़ा बहुत लगेगा हंड्रेड डॉलर तक मान करके चलिए कि आपको यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है फिर आप प्ले कर सकते हैं गेम को और चीज़ें ग्रो कर सकते हैं पहले आप स्टार्ट कीजिए ये इसी वाले आप अपने मैप के साथ में राइट अगर आपका मैप लगे कि आपका ये फिल हो रहा है ज़्यादा आप यूज़ और यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला बड़ा ग्राउंड आप बाय कर सकते हैं जो हम लोग एन की जो बात कर रहे थे कि आप एन बाय कीजिए वो सब चीज़ें राइट तो आप उसको बाद में बाय कीजिएगा अभी मत बाय कीजिए राइट तो ये थी हमारी वीडियो कि किस तरह से आप वना का गेम को आप प्ले कर सकते हैं पूरा ट्यूटोरियल देने का कोशिश किया किस तरह से आप आ, क्या कहते हैं ब्रीड कर सकते हैं किस तरह से आप फैक्ट्री के अंदर चीज़ें चेंज कर सकते हैं राइट किस तरह से आप फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं राइट right. और ग्रो कर सकते हैं और आइटम्स को राइट right. तो इस तरह से आप लगे रहिए अगली बार फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह की वीडियो के साथ में आई नो बहुत लंबी वीडियो हो गई लेकिन आई होप अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा जाने से पहले अगली बार फिर मिलेंगे इसी तरह की कुछ नई इन्फॉर्मेश इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू टेक केयर गुड बाय पीस जय हिंद मेरे भाइयों